हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में काफी लोग बोलते हैं कि यार रोज रोज वीडियो डाला करो, या फिर मैंने जो रिक्वेस्ट की वो मूवी अभी तक क्यों नहीं आई है। सो दोस्तों, आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपकी मूवी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इस चैनल पे मैं अकेली काम करती हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है और मेरा एक फुल टाइम जॉब भी है। और उसके बाद जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, उसी में मैं मूवी सिलेक्ट करती हूँ, मूवी देखती हूँ, उस पर स्क्रिप्ट लिखती हूँ, वॉइस ओवर, वीडियो बनाना, थंबनेल बनाना, ये सारे काम रहते हैं। इसीलिए आई एम एक्सट्रीम सॉरी अगर मैं इंस्टाग्राम पे आपके डीएम का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ या फिर आपकी फेवरेट मूवी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए आज के मूवी की ओर बढ़ते हैं। मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ 2067, ये ऑस्ट्रेलियन साइफाई मिस्ट्री टाइम ट्रेवल मूवी। मूवी का समय है 2067, जहाँ पे फ्यूचर में और पे कोई भी पेड़ नहीं बचा है। जी हाँ, डिफॉरेस्टेशन के कारण अमेजोन का जंगल भी तबाह हो गया है। क्लाइमेट चेंज के कारण काफी तबाही मची हुई है, हीट वेव्स जनरेट हो रही थी, फ्लड्स आ रहे थे, काफी सारे देश मिट गए थे। अब इसका परिणाम ये हुआ कि अर्थ पे जितने भी लोग हैं उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। इसीलिए क्रॉनिकॉर्प नाम की कंपनी ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाया था ताकि लोगों को वो बेच के पैसे कमा सके, लेकिन वो ऑक्सीजन भी काम का नहीं था। इसके कारण तो एक नया पेंडेमिक आ जाता है और उस ऑक्सीजन के कारण लोग मरने लगे थे। इसी में हम प्रोटैगनिस्ट ईथन और उसके दोस्त जूट को देखते हैं, जो क्रॉनिकॉर्प के ही माइन वर्कर्स थे। इस कंपनी का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कोर सिस्टम था और उसी पे ये दोनों काम करते थे। यहाँ पे ईथन की पत्नी थी जेंटी, उसे भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के कारण इन्फेक्शन हुआ था और शायद वो भी जल्द मरने वाली थी। अब एक दिन जूड और ईथन जब दोनों काम कर रहे थे, तभी इसी कंपनी की सीटीओ रेजिना जैक्सन ईथन को बुला के उसे कहती है कि धरती पे इंसान अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इंसानों को बचाने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। और उसे जबरदस्ती एक लैब लेके जाती है, जहाँ पे ईथन के पिता ने ही एक टाइम ट्रैवल मशीन क्रॉनिकल डेवलप की थी। रेजिना बताती है कि क्रॉनिकल के फर्स्ट ट्रायल में उन्होंने रेडियो वेव सेंड किए थे ये चेक करने की दूसरे साइड में क्या है। तो ये रेडियो वेव्स 407 साल आगे फ्यूचर में बाउंस होके वापस इन्हें रिसीव हुए थे, लेकिन चेंज होकर। फ्यूचर में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और किसी ने वहां से इन वेव्स को वापस सेंड किया था। ये सुनके ईथन चौंक जाता है कि 407 साल के बाद लोग कैसे जिंदा हैं। तो रेजिना उसे बताती है कि जिन भी लोगों को हमारा मैसेज मिला था, उन्हें शायद ऑक्सीजन के पेंडेमिक का इलाज मिला होगा और वही हमारी मदद करेंगे। आगे वो उसे एक फ्यूचर का मैसेज दिखाती है। उस मैसेज में लिखा था सेंड ईथन वाइट, यानी ईथन को टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाना था, उन लोगों से क्योर लेना था और वापस आना था। लेकिन रेजिना और उसकी टीम के पास कोई प्लान नहीं था, यानी ईथन को एग्जैक्टली किससे मिलना है, किससे क्योर लेना है और वापस कैसे आना है इस समय में, इसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था। यानी अंधेरे में तीर मारने जैसा था ये। ईथन ये सब कुछ सुन के गुस्सा हो जाता है और मना कर देता है, क्योंकि ईथन जब खुद 8 साल का था तब उसके पिता भी उसे ऐसे ही छोड़ के इसी मिशन के पीछे चले आए थे। सेम चीज ईथन को नहीं करनी थी। तभी हम बैकग्राउंड में ईथन का बचपन देखते हैं। जब वो 8 साल का था तब उसके बर्थडे पे उसके पिता ने उसे एक बॉक्स गिफ्ट दिया था। वो बॉक्स खोलने से पहले वो उसे बताते हैं कि तुम काफी इम्पोर्टेंट इंसान हो, तुम आगे जाके साइंस मैन बनने वाले हो, और उस बॉक्स में हाथ डाल के गिफ्ट खोलने के लिए कहते हैं। उस बॉक्स में हाथ डालने पे अचानक से एक रिस्ट बैंड उसके हाथ पे लॉक हो जाता है और उसमें लाल कलर की लाइट ब्लिंक करने लगती है। काफी खून बहने लगा था और दर्द के कारण छोटा ईथन रोने लगता है। उसकी माँ आके उसे संभालती है और तभी उसके पिता इन्हें छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद उसकी माँ भी मर जाती है। अब यही सारी हिस्ट्री वो दोहराना नहीं चाहता था और मना करता है, लेकिन रात में उसका दोस्त जूट उसे समझाता है और जब जेंटी को वो ये बताता है तब जेंटी भी आखिरी होप के लिए उसे जाने के लिए कन्विंस करती है। अब अगले दिन जेंटी से वादा करता है कि मैं वापस आऊंगा तुम्हारा क्योर लेके, और वहां से वो चला जाता है। अब लैब में इसे ब्रीफिंग दी जाती है और आरजी नाम का AI डिवाइस दिया जाता है। इसका दोस्त उसे गुड बाय कहता है और ये खुद टाइम मशीन में चला जाता है। काफी दिक्कतों के बाद ये एक अनजान जंगल में लैंड करता है। ये जगह पूरी तरीके से अलग थी, पेड़ पौधे नदी, काफी खूबसूरत जगह थी, लेकिन लैंड करने के कारण इसका सूट जल जाता है। और थोड़े आगे चलने पर इसे एक जगह दिखाई देती है और उस जगह के साइड में ही
एक कंकाल पड़ा हुआ था जिसके सर पे गन शॉट का निशान था और सूट पे नाम लिखा था ईथन और उसके रिस्ट पे वैसे ही बैंड था लेकिन ग्रीन कलर था। अब ये सब कुछ देख के ईथन डर जाता है, शॉक हो जाता है, यानी वो यहाँ पे फ्यूचर में मरने वाला है। इतना ही नहीं, उसके उस सूट में उसे पुराना आरजी डिवाइस मिलता है और वो लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले करवाता है। उस रिकॉर्डिंग में दो लोग थे और वो दूसरा आदमी ईथन को बंदूक से मार डालता है। अब ईथन काफी डर जाता है, पैनिक होने लगता है और दोनों आर्ची को अपने सूट के जरिए वो रिचार्ज करता है और उसे अचानक से एक सिग्नल मिलने लगता है। अब सिग्नल कहाँ से है यह हमें आगे पता चलेगा। वो काफी परेशान हुआ था, क्या करना है उसे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए रात में आग जलाता है और उसे कुछ फ्रूट्स मिलते हैं, वो खाने लगता है। अब इन फ्रूट्स के कारण ईथन को पॉइजन हो जाता है। धीरे धीरे बारिश होने लगती है, तूफान आने लगता है और तभी एक अनजान आदमी आके इसके छाती में चाकू घुसाता है। थोड़ी देर के बाद जब इसे होश आता है तब पता चलता है वो इंसान उसका दोस्त जूड है और उसने उसे एड्रेनल दिया था क्योंकि पॉइजन के कारण इसका हार्ट रुक गया था। लेकिन सही समय पे जूड यहाँ पे कैसे आया क्योंकि लैब में इलेक्ट्रिसिटी काफी लिमिटेड थी, ये सारे सवाल उसे पड़ते हैं, लेकिन इसके बारे में भी हमें प्लॉट में पता चलेगा। अब अगली सुबह आर्ची के थ्रू इन्हें सिग्नल्स मिलते हैं और वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जाते हैं और एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक कैमरा ईथन को स्कैन करके डोर ओपन करता है। अंदर मशीन चालू होती है और अचानक से ईथन के रिस्ट बैंड को कुछ कनेक्ट होता है और बैंड के थ्रू खून आने लगता है और इसी से मशीन डीएनए स्कैन करती है। ईथन की आइडेंटिटी रिवील होती है, ये पूरी मशीन ऑन होती है। तभी इसके बैंड की जो लाइट थी वो भी ग्रीन हो जाती है। दोस्तों ये एक लैब थी और सामने वैसे ही सेम टाइम मशीन थी जहाँ से वो आया हुआ था। ये देख के जूट खुश हो जाता है कि इन्हें वापस जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन वो लोग कहाँ है जो क्योर देने वाले थे क्योंकि यहाँ पे इंसानों का नामो निशान नहीं था। अब ये सारे सवाल ईथन को सुलझाने थे और वो अंदर ही अंदर पैनिक हो रहा था क्योंकि उसे पता है वो कंकाल उसी का था और वो मरने वाला है। इसी दरमियान कुछ आवाज होता है और जूड अपने पॉकेट से गन निकालता है, यानी इसके पास गन थी। अब यहाँ पे ईथन मशीन के लॉग्स ऑन करता है लेकिन जूड उसे बार बार लॉग्स ऑन करने से रोक रहा था। ईथन को लॉग्स ऑन करने पे उसके पिता रिचर्ड के होलोग्राम के थ्रू इस जगह के बारे में पता लगता है और मूवी का फर्स्ट प्लॉट यहाँ पे रिवील होता है। रिचर्ड अपने पहले एक्सपेरिमेंट के वक्त कहता है उन्हें हिग्स बोसोन गॉड्स पार्टिकल फील्ड की डिस्कवरी हुई है जिसके थ्रू ये लोग टाइम मशीन बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हिग्स बोसोन की थ्योरी में श्री सत्येंद्रनाथ बोस इनका भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए इन पार्टिकल्स को बोसोन पार्टिकल्स कहा जाता है। ओके सो बैक टू स्टोरी, हिग्स बोसोन फील्ड के कारण रिचर्ड कोई भी चीज फ्यूचर में भेज सकता है और उनके पास ऑलरेडी अंडरग्राउंड एटमोस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन था जो फ्यूचर में तब तक ऑपरेट करता रहेगा जब तक इन्हें फ्रेश ब्रीदेबल एयर अवेलेबल ना हो। सो दोस्तों यानी यहाँ पे हिग्स बोसोन फील्ड के थ्रू इन्होंने वर्म होल क्रिएट किया था। जिस जगह भी ईथन खड़ा है ये वही जगह थी जहाँ से ईथन आया है, लेकिन 407 साल फ्यूचर में। रिचर्ड के पहले एक्सपेरिमेंट में वो रेडियो वेव पैकेज सेंड करते हैं और एटमोस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन के थ्रू उन्हें फ्यूचर में ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग मिलती है। वो खुश होते हैं, फ्यूचर का ईयर था 2474। उस वक्त प्लैनेट हैबिटेबल बन गया था, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें एक और मैसेज डिस्प्ले होता है जिसमें लिखा था सेंट ईथन व्हाइट। अब ये मैसेज देख के खुद रिचर्ड चौंक जाता है कि फ्यूचर में ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें ईथन चाहिए और वो भी क्यों। लेकिन तभी पावर प्लांट की एनर्जी चली जाती है और लॉग्स बंद हो जाते हैं। यहाँ के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कोर में फेलियर आया था, अगर पावर फीड को रिकनेक्ट नहीं किया तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। अब ईथन फ्रीक आउट होने लगता है कि क्योर कहाँ है, लोग कहाँ है, मैं मरने वाला हूँ, उसका पर्पस क्या है। जूड कैसे तैसे उसे समझाता है और ये लोग ग्रिड रिपेयर करने के लिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब ये लोग बाहर की चीजें एक्सप्लोर करते हैं तब उसे शहर का नजारा दिखाई देता है। सारे इंसान ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मर गए थे, उनके कंकाल वैसे ही पड़े थे। ईथन को एक जगह पे अपनी पत्नी की भी चीजें मिलती है। अब ये सब देख के वो रोने लगता है कि उसे क्योर नहीं मिला, वो अपने मिशन में फेल हुआ है, सारे इंसान मर गए हैं और डिप्रेस होके बैठ जाता है। और यहाँ पे जूड जो कि अभी तक ईथन को प्रोटेक्ट कर रहा था वो सीधा उसे गन पॉइंट पे रखता है, कहता है कि तुम सीधा भी न्यूक्लियर पावर प्लांट चलो। और तभी यहाँ पे ईथन उसे वो लास्ट रिकॉर्डिंग दिखाता है और कहता है कि देखो शायद तुम ही मुझे मारने वाले हो, तो बेटर है तुम अभी मुझे मार डालो क्योंकि मैं मिशन में वैसे
ऐसे ही फेल हुआ हूँ। जूट भी ये देख के शॉक होता है क्योंकि इथन उसके छोटे भाई की तरह था, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था कि ये बार बार डिप्रेस हो रहा है, इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करके पावर प्लांट लेके जाता है। दोनों मिलके पावर प्लांट को ठीक करते हैं और वापस लैब में आते हैं। यहाँ पे इथन वापस लॉक चेक करने लगता है और जूट उसे मना कर रहा था, इसीलिए इथन उसे एक जगह पे लॉक कर देता है। और यहाँ पे अपने पिता का आखिरी जब वो लॉक देखता है तब मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। रिचर्ड ने इथन को रिस्ट बेल्ट इसीलिए लगाया था क्योंकि उसने वो मैसेज पढ़ा था कि सेंड इथन, और उसने फ्यूचर की टाइम मशीन जो थी वो इथन के डीएनए से लॉक कर दी थी। लेकिन बेल्ट देने के बाद जब अपने फैमिली को छोड़ के आता है तब वो काफी पछताने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए आखिरी बार जब वो अपनी पत्नी को कॉल करता है तब कहता है कि तुम उसी जगह इथन को लेके आओ जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। इसीलिए छोटा इथन और उसकी माँ उस जगह जाने के लिए निकलते हैं। तो लैब में फोन कॉल के बाद रेजीना और जूड वहाँ पे आ जाते हैं। जी हाँ, जूड रेजीना के साथ मिला हुआ था। और वहाँ पे रेजीना का प्लान रिवील होता है कि उसे बस एक पोर्टल यानी टाइम मशीन बनानी थी जिसके थ्रू वो खुद और अपने गिने चुने लोगों को लेकर फ्यूचर में चली जाएगी। उसके मुताबिक इंसान अर्थ के लिए वायरस जैसे हैं जो अर्थ को तबाह कर रहे हैं। एक बार इंसान नष्ट हो गए तो अर्थ खुद ब खुद खुद को हील कर देगी, जीव जंतु पेड़ पौधे वापस उगने लगेंगे, लेकिन वो होने के लिए अर्थ को इंसानों के बिना समय की आवश्यकता है। इसीलिए वो फ्यूचर से कोई क्योर ढूंढने वाली नहीं थी, उसे बस ये देखना था कि फ्यूचर में अर्थ हैबिटेबल है या नहीं, जो उसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद पता चल जाता है। और इसीलिए वो ये प्लान बनाती है कि इंसान अब मरेंगे इसीलिए 400 साल बाद हैबिटेबल प्लैनेट बनेगा और हम सीधा कुछ लोगों को लेके 400 साल बाद जंप मारेंगे जब अर्थ हैबिटेबल होगी। ये सुनते ही रिचर्ड मना करता है क्योंकि उसने ये मशीन क्योर ढूंढने के लिए बनाई थी और फ्यूचर की मशीन इथन के डीएनए से लॉक कर दी गई है, ये बात वो बताता है। इसीलिए रेजीना रिचर्ड को मार देती है और जूट को ऑर्डर देती है कि छोटे इथन की परवरिश तुम्हें करनी है जब तक वो बड़ा नहीं होगा, बड़े होने के बाद उसे ही फ्यूचर में भेज के मशीन अनलॉक करनी है। लेकिन तभी उसका एक साइंटिस्ट कहता है कि जो फ्यूचर की मशीन है वहाँ पे भी इनफ पावर नहीं होगी, इसलिए वो डिसाइड करती है जूट और इथन सही वक्त आने तक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ही काम करेंगे, यानी फ्यूचर में वो जाके उस पावर प्लांट को रिपेयर कर सकते हैं जैसे अभी अभी दोनों ने किया। लैब में एक टाइमर चल रहा था, यानी उतने वक्त के बाद ऑटोमेटिकली पोर्टल ओपन होगा और जूट अपने लोगों को लेके आएगी। लेकिन उसके पहले जूड इथन को मार डालने वाला था। और दोस्तों जो पहली टाइमलाइन या टाइम लूप थी उसमें इथन को जूड ने मार डाला था, इसीलिए वो कंकाल वहां पे पड़ा हुआ था। ये सारी कहानी थी। अब यहाँ पे प्रेजेंट में रेजीना अपने लोगों को लेके तैयार होती है क्योंकि पोर्टल ओपन होने में ज्यादा समय नहीं था। तो यहाँ पे फ्यूचर में इथन और जूड के बीच में भारी लड़ाई शुरू होती है ये सब कुछ जानने के बाद। वो जो रिकॉर्डिंग में जैसे बातें थी वैसे ही दोनों भी बातें दोहराने लगते हैं। लेकिन इस वर्जन में इथन जूड का मन बदलने का ट्राई करता है, उसे कहता है आई बिलीव इन यू। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद जूड नहीं मार सकता था क्योंकि उसके लिए वो छोटा भाई था और वो गुस्से में खुद को ही गोली मार बैठता है। अब दोस्तों इस टाइमलाइन में चीजें अलग हो जाती है, यहाँ पे इथन नहीं जूड मरता है। अब यहाँ पे सारी चीजें इथन के हाथ में थी और तब भी उसे कंप्यूटर पे उसके पिता का फर्स्ट मैसेज रिसीव होता है जो उन्होंने ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए भेजा हुआ था, सबसे फर्स्ट मैसेज। यहाँ इथन को समझ आता है कि जो रिस्पांस भेजा गया था सेंड इथन वाइट वो किसी और इंसान ने या लोगों ने नहीं भेजा था बल्कि उसने खुद भेजा था। ये समझने के बाद वो सेम मैसेज सेंड करता है सेंड इथन। ये मैसेज उसके पिता 2047 में रिसीव करते हैं और वो सर्कल वापस रिपीट होता है। अब यहाँ पे इथन मशीन का पोर्टल ओपन करता है। वो कश्मकश में था कि प्रेजेंट में मैं वापस चला जाऊँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्योर नहीं है, क्या बताऊँ उन्हें। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट में देखते हैं रेजीना देखती है कि पोर्टल ओपन हुआ है। उसके पास एक ही शॉट था सारे लोगों को भेजने के लिए, लेकिन तभी उसे सिग्नल मिलता है कि फ्यूचर से कोई आ रहा है। उसे लगता है इथन ही वापस आ रहा है, इसीलिए वो ऑर्डर देती है कि वो जैसे ही आए उसे मार डालना है। और तब भी मशीन से कुछ आ जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होके मशीन शट डाउन हो जाती है। जब रेजीना पीछे मुड़ के देखती है तब वो भड़क जाती है क्योंकि मशीन से इथन नहीं बल्कि दुर्लभ पेड़ पौधे भेजे गए थे जो कि काफी साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, नष्ट हो गए थे और इंसानों को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए काम आएंगे। यानी दोस्तों यही क्योर है, जैसे वॉली मूवी में भी बताया गया था अगर हमें प्लैनेट अर्थ को बचाना है तो हमें पेड़ पौधों को लगाना है। यहाँ पे फ्यूचर में भी इथन टाइम मशीन बंद कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट में इंसान बच सकते थे। अब यहाँ लैब में ब्लास्ट होने के कारण वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और उन्हें रेजीना का प्लान पता लग जाता है।
पुलिस उसे पकड़ते हैं और जो एक्सटिंक्ट प्लान थे वो लगा के अर्थ को वापस हैबिटेबल प्लैनेट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जेंटी को भी अपने घर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए यूनिक प्लांट्स की डिलीवरी होती है, जैसे उसने वादा किया था कि सबसे पहला क्योर मेरे पत्नी को जाएगा। अब प्रेजेंट में चेंजेस के कारण टाइमलाइन पूरी चेंज हो जाती है और ईथन अपने टाइम में देखता है कि पहले जहाँ पे सारे इंसानों के कंकाल पड़े थे उस जगह पे इंसान बचने के कारण एक सुंदर सा शहर बसा हुआ है और इंसान नष्ट होने से बच गए हैं। सो ये थी मूवी 2067। काफी अच्छी मूवी थी, डेफिनेटली 4.6 की रेटिंग इसे डिजर्व नहीं करती। लेकिन दोस्तों मुझे मूवी में एक प्लॉट होल लगा। देखिए फ्यूचर की वो मशीन ईथन के डीएनए के कारण लॉक रहती है, राइट? तो ये लोग ईथन को कैसे भेजेंगे, बिकॉज इट इज वर्म होल, दोनों भी होल प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब दोस्तों हम इंसान जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, फ्लड्स, आने वाले 100-200 सालों में हमारे जनरेशन को भी खाने पीने और क्लाइमेट चेंज के कारण रहना मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।